सोलोन वेलकम है फिर से सभी का बहुत बहुत वेलकम आज की इस नई वीडियो में। सुगे सभी के ये वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के 1.6.0 के अपडेट के बारे में। इस अपडेट के अंदर आप लोग एक ब्रांड न्यू मोड देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम रहने वाला है फ्लोरा मैनेस। और ये वाला जो बेसिकली मोड है ये आप लोगों को रैंगल मोड के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग थीम में जाना चाहते हो तो इसको मार्क करोगे वरना इसको अनमार्क कर दोगे। तो अभी की इस वीडियो के अंदर में वही चीज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो फ्लोरा मैनेस मोड है इसके अंदर आप लोग क्या क्या नई नई चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। तो एक एक करके हम लोग सारी की सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से करके एंड तक देख लेना। चलिए फटाफट से भी के ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग मैच मेकिंग करोगे तो जो हमारा फ्लोरा मैनेस मोड आने वाला है इसका जो स्पॉन आइलैंड है वो दिखने में कुछ इस तरह का रहेगा। काफी बड़ा एयरशिप है जिसके ऊपर में हम लोग बेसिकली रहने वाले हैं और ये आप लोग के स्पॉन आइलैंड से अलग रहने वाला है। और जब तक आप लोग की मैचिंग होगी तब तक सारे के सारे बंदे यहीं पर इकट्ठा होने वाले हैं। और इधर की मजे की बात यह है गाइस आप लोग इस एयरशिप के अंदर भी यहीं से ही जा सकते हो। कैसे जाना है आप लोग को, आप लोग बीच में होगे यहां पर आप लोग को ट्रांसपोर्ट का बटन मिलेगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे और आप लोग इसके अंदर एंटर हो जाओगे और ये दिखने में अंदर से स्पेसशिप कुछ इस तरह की रहती है। बाकी जो भी हम लोग प्लेन से उतरने वाले हैं उसके बाद इसका मैं प्रॉपर आप लोगों को यूज दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको बाहर आना है तो बीच में एक पिलर मिलेगा वहां पर भी ट्रांसपोर्ट का बटन है। आप लोग वहां पर क्लिक करके इस स्पेसशिप से पूरे के पूरे बाहर निकल सकते हो। बाकी जो हम लोग का पूरा स्पेसशिप है इसके चारों तरफ एक रेड कलर की आप लोग को बैरियर नजर आ रहा होगा। आप लोग इससे नीचे नहीं कूद सकते, आप लोग का जो बैरियर है वो पीछे ही रोक लेता है। लेकिन आप लोग यहां से अपने स्पॉन आइलैंड को देख सकते हो जो कि दिखने में काफी ज्यादा छोटा सा लगता है। इसके अलावा आप लोग जैसे प्लेन के अंदर में बैठोगे तो मैप के जस्ट नीचे की तरफ में आप लोग को टाइमर चलता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली एयरशिप का टाइमर है यानी कि इतनी देर बाद आप लोग एयरशिप के अंदर एंटर हो सकते हो। कैसे होना है आगे आप लोगों को बताऊंगा। बाकी वाले मोड में आप लोगों को एक और न्यू फीचर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जैसे अपने मैप को ओपन करोगे आपको पहले ही बता देगा कि आप लोगों का सर्कल कहां पर बन चुका है। साथ में आप लोगों का जोन जो है वो भी इस वाले मोड के अंदर में काफी जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। बाकी वाले मोड के अंदर में जैसे आप लोग लेजेंड को ओपन करोगे तो यहां पर आप लोग काफी सारी नई नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो अभी से पहले आप लोगों ने नहीं देखी। सबसे पहले आप लोगों को सेल मैट्रिक्स रोबोट देखने के लिए मिलेगा जो कि पूरे मैप के अंदर में तीन लोकेशन ऐसी होंगी जहां पर आप लोगों को सेल मैट्रिक्स रोबोट नजर आएंगे। यहां बेसिकली क्या है चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो बेसिकली जो सेल मैट्रिक्स रोबोट वाली जो लोकेशन है यहां पर अगर आप लोग जैसे ही आओगे तो यहां पर आप लोग एक काफी बड़ा बेस देखने के लिए मिलेगा और ये वाले बेस के ऊपर में आप लोग कुछ रोबोट घूमते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग इस बेस के ऊपर में जा रहे हो तो गन वगैरह लेकर के जाना वरना ये आप लोग को बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं। बाकी आप लोग जैसे ये वाले बेस के ऊपर में आओगे तो यहां पर आप लोग जैसे आओगे तो यहां पर आप लोग को दो तरह के रोबोट देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा आप लोग का कोल्ड वाला और दूसरा होगा आप लोग का हॉट वाला। अब जो इधर कोल्ड वाला है वो तो आपकी तरफ में कुछ आइस क्यूब जैसी चीजें फेंकता है और जो हमारा हॉट वाला है वो बेसिकली आपकी तरफ में कुछ रेड कलर का आप लोग कह सकते हो आग जैसी कुछ चीजें फेंकता है। और दोनों से ही आप लोग को बहुत ही खतरनाक वाला डैमेज मिलता है इसलिए आप लोग इधर आ रहे हो तो अच्छे से रेडी होकर के आना, गन वगैरह लेकर के आना। बाकी जो उधर हॉट वाला जो मैंने रोबोट बताया वो अगर आप लोग को मारेगा तो उससे पहले आपके पास में एक रेड कलर का सर्कल बन जाता है जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये आपको डैमेज देने वाला है एंड आप लोग सर्कल से बाहर भाग जाते हो। लेकिन वहीं जो हमारा दूसरा वाला रोबोट है वो ऐसा कोई भी सर्कल वगैरह नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली आपकी तरफ में कुछ नीले कलर की ऐसी कुछ बॉल वगैरह फेंक के मारता है। इनकी रेंज काफी ज्यादा दूर तक है तो आप लोग को इनसे बच करके रहना पड़ेगा। बाकी जैसे आप लोग इन रोबोट को मारते हो तो ऐसे में आपको अच्छी खासी लूट मिल जाती है या फिर आप लोग जो भी गन को यूज कर रहे होते हो उसकी एमओ वगैरह आप लोग इधर पड़ी हुई मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग इन रोबोट को लगातार मारते रहोगे तो एक के बाद ये एक पता नहीं कहां कहां से आते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सारे के सारे रोबोट जब एंड हो जाते हैं तो इसके बाद में आप लोग काफी अच्छी खासी इधर से लूट वगैरह कर सकते हो जैसे कि आप लोग इधर देख भी सकते हो। इतना नहीं, जब आप लोग इन सभी रोबोट को मार दोगे तो यहां से आप लोग को जो मेन चीज मिलेगी वो है बेसिकली आप लोग का ड्रोन। लेकिन ड्रोन को हम लोग अभी बीटा वर्जन के अंदर में यूज नहीं कर सकते। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो सामने की तरफ में ड्रोन रखा हुआ है। अब देखो यहाँ ड्रोन रखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, ये ड्रोन जरूर से आप लोगों को मिलने वाला है एंड आप लोग एरेंगल मैप के अंदर में ड्रोन को उड़ाने वाले। जैसे फिलहाल हम लोग मिशन इग्निशन में टेस्ला को चुराते हुए घूम रहे थे, अब इस वाले मोड के अंदर में हम लोग इस ड्रोन को चुराने के लिए जरूर से इधर आने वाले। आप लोग आओगे नहीं नीचे कॉमेंट में जरूर बता देना। तो ये तो बात रही सेल मैट्रिक्स रोबोट के बारे में। इसके अलावा आप लोग इधर सेल्स का भी एक ऑप्शन देखने में मिलता है। अगर आप लोग लेजेंड में चेक करोगे तो यहाँ पर काफी सारी जगह पर आप लोग एरेंगल में व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ एग जैसे नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे, यही है हमारे सेल्स ये किस तरह से काम करते हैं। चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैप के अंदर में काफी सारी जगह पर आप लोगों को छोटे छोटे जो एग जैसे नजर आ रहे हैं यही है हमारे सेल्स। और ये जो सेल्स हैं इनकी मदद से हम लोग ये जो पीछे बड़ा सा आप लोग एयरशिप देख रहे हो इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैप के नीचे जो आप लोग राइट साइड में एक टाइमर नजर आ रहा है यहां पर एक उल्टा एक कह सकते हो काउंटडाउन पूरा का पूरा चलता रहता है जो कि पूरा 5 मिनट का होता है। और ये टाइमर ये बताता है कि कितनी देर बाद हमारे सेल्स जो है वो एक्टिवेट होने वाले हैं। यानी कि नीचे जितने भी आप लोगों को सेल्स नजर आ रहे हैं वो आप लोग के 5 मिनट बाद एक्टिवेट होते हैं। ऐसा नहीं आप लोग जैसे उतरोगे वो आप लोग को एक्टिवेटेड मिलेंगे। बेसिकली आप लोग जैसे ही जाओगे तो जो सेल्स है वो दिखने में कुछ इस तरह का रहेगा एंड ये चारों तरफ से पूरा का पूरा पैक रहेगा यानी कि इसके अंदर एंटर होने का कोई भी रास्ता आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग इधर देख सकते हो सिर्फ 10 या 8 सेकंड का काउंटडाउन रह चुका है। जैसे ये काउंटडाउन कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे में जो सेल्स है इनके जो डोर है वो आप लोग कह सकते हो ओपन हो जाते हैं एंड उसके बाद आप लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हो। तो जैसे इसके एक्टिवेट होने का टाइम पूरा हो जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आता है, सेल मैट्रिक्स इज कमिंग द ग्राउंड सेल्स हैज एक्टिवेटेड। तो इस तरह से आप लोग को एक नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोग समझ जाना जितने भी सेल्स
लगे हुए हैं पूरे एरेंगल मैप में, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप लोग उनके अंदर इजिली एंटर हो सकते हो। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग इसके अंदर बैठ करके एयरशिप के अंदर जाने वाले हैं। ये एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोग इसके अंदर एंटर होगे उसके बाद आप लोग को ओपन का बटन मिलेगा। जैसे ही टैप करोगे 5 से लेकर के इधर 1 तक गिनती चलेगी एंड उसके बाद में ये सेल पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक जगह से ऊपर की तरफ उठने लगा है। एंड लिटरली गाइस एनिमेशन देखो कितनी ज्यादा इन्होंने कमाल की डाली है। उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा लोडिंग स्क्रीन आएगा बिल्कुल 2 से 3 सेकंड का, उसके बाद आप लोग एंटर हो जाओगे ये वाले बड़े वाले एयरशिप के अंदर। एंड लिटरली गाइस इस एयरशिप के अंदर एनिमीज भी आने वाले हैं एंड आप लोग उनके साथ में फाइट भी करोगे। एंड एनिमी के अलावा इधर बोट वगैरह भी आने वाले हैं, लेकिन जो बोट है जो नीचे बोट घूमते हैं उनसे कई ज्यादा एडवांस आप लोग इधर बोट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो आप लोग का मिनी मैप है वो भी पूरा का पूरा चेंज हो गया। आप लोग इधर क्लिक करोगे तो इधर आप लोग देखोगे ए बी सी डी करके जो है इधर आप लोग को 4 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। इधर बेसिकली अलग अलग एनिमीज आने वाले हैं तो उनके साथ आप लोग को फाइट करनी पड़ेगी। सब अलग अलग सेक्शन में जाने वाले हैं। अब मैं आप लोग को इधर कुछ मजे की बात बताता हूँ या फिर कह सकते हो इसके जो रूल्स वगैरह हैं एयरशिप के वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे ऊपर में अगर आप लोग देखोगे बीच में तो इधर आप लोग के पास में 3 लाइफ रहने वाली है जो 3 हार्ट बने हुए हैं। यानी कि अगर आप लोग 2 बार किल हो जाते हो किसी भी रोबोट से किसी भी एनिमीज से तो आप लोग इधर वापस से स्पॉन हो जाओगे। लेकिन जैसे आप लोग 3री बार किल हो जाते हो तो ऐसे में आप लोग इस एयरशिप से बाहर हो जाओगे, यानी कि इस एयरशिप से आपको निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे आप लोग किसी भी बोट को रोबोट को या किसी भी एनिमी को मारोगे तो आपको कुछ कॉइन मिलेंगे जो कि बीच में आप लोग देख रहे हो। बीच में कुछ कॉइन जैसा सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग सारे के सारे कॉइन्स नजर आएंगे। उसके बाद में आप लोग किल्स नजर आएंगे एंड नीचे की तरफ एक बार बना हुआ है जिसके आगे एक गन बनी हुई है। यहाँ बेसिकली क्या होगा अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब मैं नीचे था तो मेरे पास में 2री गन थी, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आया तो मेरे पास में गन भी चेंज हो चुकी है। और जो अभी आप लोग गन वाला बार को देख रहे हो वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। जैसे ये पूरा कम हो जाता है तो ऐसे में हमारी जो वेपन है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। हम लोग खुद से किसी भी वेपन को चेंज नहीं कर सकते, खुद से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी जो वेपन वगैरह वो खुद ब खुद चेंज होती है। अभी थोड़ा सा टाइम रह रहा है, मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो 20 सेकंड पहले आप लोग इधर एक बैच करके कुछ चीज लिखी हुई है, यहाँ पर इस तरह से गिनती चलने लग जाती है। एंड जैसे ये खत्म होगी तो आपकी जो भी वेपन है आप लोग के हाथ में वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी एंड आप लोग वेपन को चेंज नहीं कर सकते, ना ही किसी भी वेपन को आप लोग उठा सकते हो। तो अभी देख सकते हो 1 सेकंड बचा हुआ है और जैसे ये कंप्लीट हुआ आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में से दोनों वेपन चेंज हो चुके हैं एंड मेरे पास में 2री वेपन आ चुकी है। बाकी जब आप लोग इधर लूट करोगे तो यहाँ पर आप लोग काफी सारी नाकोर करके करेंसी है वो आप लोगों को देखने में मिलेगी, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो। अब ये करेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो जैसे अभी मैं शिप से बाहर निकलूंगा फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस करेंसी का कैसे आप लोग को यूज करना है। बाकी अगर आप लोग इधर सर्वाइव नहीं करना चाहते और अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक रूम देखने के लिए मिलेगा जिसमें एग्जिट लिखा हुआ है। आप लोग जैसे इधर आओगे यहाँ करके आप लोग को सिंपली ओपन वाले बटन के ऊपर में टैप करना है, वापस इधर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप लोग थोड़े ही देर के बाद में इस वाले एयरशिप से नीचे की तरफ में निकल जाओगे। अब कॉइन का क्या यूज है अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताया तो मैप के अंदर में आप लोग को 3री चीज देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है रेजुवेंशन बैरियर। अब ये वाले जो बैरियर है ये किस तरह से काम करते हैं, आप लोग जैसे इन वाले बैरियर के पास में उतरते हो तो जैसे आप लोग ये वाली लोकेशन के अंदर में आओगे तो यहाँ पर आप लोग एक नए तरह का जोन देखने के लिए मिलेगा जो कि है आप लोग का ग्रीन जोन। एक बार मैं आप लोग उधर से दिखा भी देता हूँ। अभी मैं ग्रीन जोन के अंदर हूँ, अब मैं ग्रीन जोन के बाहर हूँ। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, बेसिकली अगर आप लोग ग्रीन जोन के अंदर हो और अगर आप लोग की एनिमी के साथ में फाइट हो जाती है तो एनिमी अगर आप लोग को डैमेज देता है या फिर आप एनिमी को डैमेज देते हो तो आप दोनों की हेल्थ जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग इधर देख भी सकते हो मैं इधर ऊपर की तरफ में खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ से नीचे की तरफ डायरेक्टली जंप मारता हूँ तो मुझे अच्छा खासा इधर डैमेज मिल जाता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि मैं ग्रीन जोन के अंदर हूँ। आप लोग को स्क्रीन के साइड में एक बॉर्डर भी नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का बना हुआ जो बेसिकली ये बताता है आप लोग ग्रीन जोन के अंदर हो। और देखो मेरी खुद ब खुद हेल्थ कंप्लीट हो गई आपके सामने, ना ही मैंने कोई किट लगाई ना ही कोई बैंडेज लगाई। फिलहाल तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीजें देखने के लिए मिली हैं। इसके अलावा जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कॉइन वगैरह लूट करके आए थे एयरशिप के अंदर में, अब मैं आपको बताता हूँ वो वाले कॉइन को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास में इधर लगभग 10,000 से भी ज्यादा कॉइन्स हैं और इनको कैसे यूज करना है, आप लोग को मैप के नीचे कार्ट का ऑप्शन मिलेगा या फिर एक शॉप वाला ऑप्शन कह लो ये देखने के मिलेगा। जैसे आप लोग इधर क्लिक करोगे आपके सामने पूरी शॉप ओपन हो जाएगी और इधर से आप लोग देख सकते हो कितने भी कॉइन्स के अंदर में आप लोग कुछ भी आइटम मंगा सकते हो। जैसे कि मैं इधर ओम मंगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ओम पर क्लिक करूंगा, नीचे सेंड ऑर्डर का बटन है, जैसे ही मैं ये वाले बटन पर प्रेस करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड मेरे पास में ओम आ जाएगी। आएगी कैसे, जैसे मैं सेंड ऑर्डर पर क्लिक करूंगा उसके बाद में एक लोकेशन का बटन आएगा, मैं जहां भी मंगवाना चाहता हूं वहां पर इस वाले बॉक्स को रख दूंगा और उसके बाद में सिंपली लोकेशन वाले बटन पर क्लिक करूंगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस बना हुआ आएगा एंड ऊपर की तरफ मैं देखूंगा तो ऊपर से डायरेक्टली नीचे आकर के गिरेगी हमारी ओम जो कि एक पूरे बॉक्स के अंदर में आएगी। और गाइस लिटरली अभी तक की सबसे ज्यादा फास्ट सप्लाई है ये जिससे कि आप लोग सबसे जल्दी ओम मंगा सकते हो। आप लोग देख सकते हो मेरे पास में ओम आ चुकी है, आप ही लोगों के सामने अभी मैंने इसको मंगाया, फटाफट से आ चुकी है, मुश्किल से मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये ओम मेरे हाथ में आ चुकी है। और गाइस इतना ही नहीं, अगर आप लोग के पास में काफी सारे कॉइन्स है तो आप लोग ओम के अलावा काफी सारी चीजें मंगा सकते हो एंड सामान जो होता है वो हर बार रैंडम होता है। जैसे इस बार इधर ओम है, कभी ग्रोज आ जाती है, कभी ऑग आ जाती है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग को लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट और आप लोग को बैकपैक मंगाना है तो वो चीजें भी आप लोग इधर से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी स्कोप मंगाना है, 6x स्कोप मंगाना है, स्नाइपर का
कोई सामान है, सप्रेसर मंगाना है, ये सारी चीज़ें आप लोग इधर से मंगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग की ओम की बुलेट खत्म हो जाती है तो वो भी आप लोग इधर से सप्लाई में ऑर्डर करके मंगा सकते हो। अब मेरी जो इधर वेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, लगभग 20% डैमेज है। तो मैं इधर आप लोग को एक बार वेस्ट मंगा करके दिखाता हूँ। इधर बेसिकली एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप लोग कुछ सेकंड का वेट करना पड़ता है, फिर जैसे ही यहाँ पर आप लोग को सेंड ऑर्डर का बटन आता है फिर से आप लोग क्लिक करना पड़ता है। एंड वापस से अगर आप लोग सप्लाई मंगाना चाहते हो तो जैसे कि देख सकते हो मैं इसके थोड़ी सी आगे एक और सप्लाई मंगाता हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा हमारी एक और सप्लाई वापस से आ चुकी है। तो बेसिकली ये था पूरा का पूरा आप लोगों का कंप्लीट फ्लोरा मैनेस मोड। यही मोड के अंदर में आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। इसके अलावा आप लोगों को एयर कन्वेयर भी देखने को मिलेगा, वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो आप लोगों ने ऑलरेडी मिशन इग्निशन मोड के अंदर में देख रखा है। बाकी जितनी भी चीज़ें नई नई आने वाली है मैंने सारी आप लोगों को दिखा दी हैं। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों इनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। तो चलिए गाइस अभी के ये वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।